कराची से खैबर तक अखबार में खुश आमदीद, शामिल करेंगे हेडलाइंस। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, बुसीदा मकान की छत जमीन बोस हो गई, मलबे तले दबकर दो बच्चे जमहक हो गए। गुंजरावाला में मूसलाधार बारिश ने वासा के दावों का पोल खोल दिया, शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी शहरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर परेशान, शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया है। रेनाला खुर्द में 1912 में लगाई जाने वाली पंचक्की की अफादियत आज भी बरकरार, पीसे आटे की रोटी लज्जत और गजाइयत से भरपूर कई घंटों तक ताजा रहती है। साहिवाल में मिस्टर हैंडसम के रंगारंग मुकाबलों का इनेकाद, मुख्तलिफ अज़ला से मेल मॉडल से भरपूर शिरकत की, नौजवान गुलकारों ने समा बांध दिया। गुड्डू के मकाम पर दरिया सिंह की तरह मुसलसल बुलंद, गोटी फीडर किनार के दो गेट भी खराब हो गए, सैलाब का खतरा, जबकि इंतजामिया ताहाल गायब है। हैदराबाद शहर में सफाई सुथराई और नकासी आपकी नाकी सूरत हाल के बाइस शहरी शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। शहरियों ने वजीर आला सिंह से मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल कराने का मुतालबा किया है। हंगू और इलाके कजई एजेंसी में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में तीन अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। एबटाबाद में बारिश के बाइस मकान पर मिट्टी का तोड़ा गिर गया, मलबे तले दबकर दो बच्चे जांबहक हो गए। पिशावर में मूसलाधार बारिश, जीटी रोड यकातूत समेत अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे, नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की वजह से अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। डेरा मुराद जमाली में जरई पानी का बोहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, महकमा एग्रीगेशन टेल के इलाकों को भी पानी फराहम करने में संजीदा नहीं, काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। शामिल करेंगे पंजाब भर से खबरें। सियालकोट में बारिश के बाइस मकान की छत मिल सके तो वहीं इन बल्दियाती उम्मीदवारों के लिए कायम किए गए दफातर भी खस्ताहाली का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ के कस्बा गोरमानी की यूनियन काउंसिल की इमारत खस्ताहाली के बाद भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। सोने पर सुहागा ये कि बाअसर अफराद ने कब्जा करके यूनियन काउंसिल की इस इमारत को जानवरों का बाड़ा बना लिया है। यूनियन काउंसिल की इमारत का मरकजी गेट भी टूट फूट का शिकार है। बारिश के दौरान छतें भी चमकना शुरू कर देती हैं। इमारत के खस्ताहाली का शिकार होने की वजह से किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। सियालकोट से आपको अपडेट करेंगे। सियालकोट में नाला डेकने की नाहली भी खुलकर सामने आ गई, आम शाहराहें पानी में डूब गयी। चलते हैं उस्मान शेख की जानिब और मजीद उनसे जानते हैं। उस्मान शेख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोधा में होने वाली बारिश से जहां मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, वहीं पर जो है शहरियों के चेहरे जो है खिल उठे हैं और मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। पिछले कई रोज़ से जो है सरगोधा के अंदर हब्स और जिप्स का मौसम था, और कल रात होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, जहाँ शहरियों के चेहरे खिलखिलाए उठे हुए हैं, मौसम खुशगवार है। वहीं पर शहरियों ने शिकवा भी किया और यहाँ पर जो TMA की गफलत है जो वो खुलकर सामने आ गई है। शहर के मेन शहरा जो हैं वो पानी से
और बारिश के पानी से जो है वो भरे हुए हैं। और इस वक्त जो एक मुहावरा बना हुआ है कि चिराग तले तले अंधेरा, वही हिसाब टीएमए ऑफिस के अंदर है। और इस वक्त टीएमए के ऑफिस जो है उसके अंदर जो है पानी खड़ा हुआ है, वहाँ से गुजरना भी जो है मुश्किल हो चुका हुआ है। इसके साथ साथ जो है टीएमए के साथ साथ ऑफिस के साथ जो कॉम्पटी बाग का बाग है वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है। और मेन शराह जो है वहाँ पर पानी है काफ़ी और गुजरना भी मुश्किल हो चुका हुआ है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया और टीएमए से मुतालबा ये किया है ज़िले इंतजामिया से कि यहाँ पर आया जो है बारिश का पानी और गटरों का पानी जो मेन शराहों पर आ जाता है, जो गुजरना भी महाल हो जाता है, इसका जो है बेहतर जो है कोई बाब किया जाए और जो है इसका निकासी के लिए कोई मुख्तसर इकदाम जो है वो किए जाएँ। जी इंतजामिया की जानिब से इकदाम के लिए आवाम राह तक रही है। उस्मान शेख अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बावलपुर में घरेलू नाचाकी पर शोहर ने तेज धाराले की मदद से बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। बावलपुर थाना सदर के इलाके जावेद कॉलोनी में घरेलू नाचाकी पर सईद नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को तेज धाराले की मदद से कत्ल करके फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मकतूला परवीन बीबी के वालिद की मुदैयत में खावन समेत 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहले इलाका का कहना था कि मियां बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। दूसरी जाने पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। मुल्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम दफातर बंद कर दिए गए, जिसके बायस खवातीन को अपनी रकूम के हासिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कई माह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड न मिलने से सैकड़ों लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुस्तहकीन और गरीब अदायगी दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। कई घंटों इंतजार के बाद वो अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, लेकिन अभी तक कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुल्तान में सिर्फ एक अदायगी सेंटर काम कर रहा है, जिसके पास फंड न होने पर अदायगी रोक दी गई है। गुर्बत से तंग मुतासरा खवातीन ने अदायगी न होने पर चुंगी नंबर 11 पर इत्तेजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। दूसरी बार आ रहे हैं ना, कितने दिन हो गए पैसे नहीं दे रहे। सुबह के आते हैं, शाम हो जाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। कहते हैं हाँ आज नहीं मिले, फिर कल आ जाना। काट देते हैं भाई, वो नंबर देते हैं, कहते हैं 15 दिन बाद आना, कितने दिन बाद आना। नहीं मिले पैसे, ने चक्कर लगा लगा के वापस चले जाते हैं घर। रमजान शरीफ से पहले मिले, फिर नहीं मिले। और अब आपको बड़ा फासला जमीन से चंद फुट के फासले पर रह गया, जो किसी भी वक्त बड़े जानी नुकसान का सबब बन सकता है। शकरगढ़ के नवाही गांव पंडोरी ढूंढा में वाबडा की नाकिस नाहली के बाइस बिजली का खंबा टेढ़ा हो गया। बिजली की लटकती तारे किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। देहातों ने एहतजाज करते हुए कहा कि मुतअद्दिद बार इस सूरत हाल के बारे में वाबडा हुकाम को आगाह कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और जिम्मेदारान वाबडा अहकाम के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मुल्तान गर्म गर्म शोहरत का हासिल शहर मेपको की लापरवाही की जद में दिन भर रहा। शहरी शदीद गर्मी और हब्स के बाइस मेपको मुलाजमीन को कोसते रहे। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन से। एजाज तरीन, बताइएगा वाबडा की बेहिसी के खिलाफ शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी आज मुल्तान वाबडा कैंट सब डिविजन में सुबह 6 बजे से लाइट बंद थी, जो अभी तक बंद है। और उस लाइट शरीर गर्मी के मौसम में लाइट की बंदिश की वजह से वकास टाउन, चुंगी नंबर 1, ग्रीन टाउन, एसन कॉलोनी, कोटला वारिसिया, जमीलाबाद, चा बागवाला, न्यू टाउन और सूरज मैनी के इलाके मुतासिर हुए और कई लोग जो है वो बेहोश भी हो चुके हैं। जब शहरी बिजली की बंदिश की वजह पूछने के लिए कैंट सब डिविजन गए तो वहां पर न एसटीओ था, न ही कोई अफसर वहां पर मौजूद था और शहरी मायूस लौट कर आ गए। अभी तक बिजली बहाल नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरियों को खासा परेशानी का सामना है। एक शहरी ने वक्त न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा कि वहां पर एक वाबडा एहलकार ने कहा है कि वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिए हैं, अब मियां नवाज शरीफ से जाकर बिजली मांगो। शहरी खासे परेशान थे, गर्म मौसम में कई शहरी बेहोश भी हुए। जी शहरी काफी परेशान है, जासरीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
कुल के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान में भी शहरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर काफी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया। देखते हैं रिपोर्ट। अद्वियात की कीमतों में अचानक होशरबा इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया है। पहले ही वसाइल की कमी के बायस गरीब लोग अपना इलाज कराने से कासर हैं। हालिया इजाफे से इनकी रही सही कुव्वते खरीद भी जवाब दे गई है। अवाम खासे परेशान है क्योंकि महंगी होने वाली अद्वियात में शुगर, टीबी, कैंसर, दमा, एलर्जी, अमराज गुर्दा, जल्दी अमराज, मिर्गी समेत दूसरे अमराज की अद्वियात शामिल हैं। माशी मुश्किलात, बेरोजगारी, घरेलू परेशानियों की वजह से हर दसवां शख्स इन बीमारियों में से किसी न किसी बीमारी का शिकार है और इस्तेताब न होने की वजह से इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से इनका मर्ज बढ़ते बढ़ते इन्हें मौत की वादी में पहुँचा रहा है। गुर्बत के मारे लोग यहाँ बेचारे मेडिसिन जो नहीं ले सकते वो मर रहे हैं, तो इन्हें चाहिए ये खौफ खुदा करें और मेहरबानी करें, मेडिसिन में जो इन्होंने रेट बनाए हैं इनमें कमी लाएं। तो मियां साहब को मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आवाम को जिंदा रहने दें और आवाम को जिंदा रहने का हक दें और इन कीमतों को वापस लें और इसका आज खुद नोटिस लें। वजीर आजम की तरफ से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेना अच्छी बात है, लेकिन बात सिर्फ नोटिस लेने तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि अद्वियात की कीमतों को फौरी तौर पर कम किया जाए जो गरीब आवाम की पहुंच में हो और वो अपना इलाज करा कर दुनिया की रंगीनियों को देख सके। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। हासिलपुर डीएचक्यू अस्पताल से मुलहिका डॉक्टर्स कॉलोनी की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बायस घरों की दीवारें तामीर का काम मुकम्मल होने से कबल ही जगह जगह से फट गईं। हासिलपुर डीएचक्यू अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले के लिए डॉक्टर्स कॉलोनी में बनाए जाने वाली मुतलका महकमे के अफसरान की मिली भगत से इन घरों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इन घरों की दीवारें तामीर का काम मुकम्मल होने से कबल ही जगह जगह से फट रही हैं, जिन्हें सीमेंट और चूना लगाकर भरा जा रहा है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से महकमे के जिम्मेदारान अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल की दीवारों के साथ ही कच्चा शाही रोड पर गंदगी के ढेर लग गए। अस्पताल की इमरजेंसी का एक गेट भी कचरे के बायस बंद कर दिया गया। टीएचक्यू के करीब एक निजी क्लिनिक वाकई है, जिसके बाहर मौजूद कूड़ा करकट से उठने वाली बदबू से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ये ढेर सड़क को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, जिससे आए रोज हादसात रोनमा हो रहे हैं। गंदगी के बायस इलाके में ताफुन भी फैल रहा है, जिससे अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि इंतजामिया इस सड़क को कूड़ा करकट के डिपो के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इंतजामिया को दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। कच्चा शाही रोड की हालत देख के हमें खुद दुख होता है कि करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का ये हाल है। आने जाने वालों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है, आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ आठ आठ दिन, दस दस दिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता। हमारे ये घरों में इतनी मक्खियाँ जाती हैं कि हम बता नहीं सकते। हमारा खाना अजाब है। हम हुकूमत और ये टीएम में सादिकाबाद से अपील करते हैं कि खुदा के लिए यहाँ इस आवाम के लिए कुछ मेहरबानी की जाए और कोई अमला भेजा जाए। अहले इलाका का ये कहना है कि गंदगी के बायस लोग मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि इलाके की जल्द अज जल्द सफाई कराई जाए। राजनपुर की नवाही बस्ती में बिजली के कमजोर खंबे और जोड़ लगी तारें अहले इलाका के लिए खतरा बन गईं। किसी भी वक्त सानहे का खतरा मंडलाने लगा। कोटा मिटन की नवाही बस्ती गोला में बिजली की पुरानी तारें और खंबे अहले इलाका के लिए खतरा बन गए हैं। उनका कहना था कि बिजली के खंबे टेढ़े हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, जिससे कीमती जानों के ज़िया का खदशा है, जबकि बिजली की जोड़ लगी तारें भी किसी सानहे को जन्म दे सकती हैं। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया और इलाके में बिजली की जोड़ लगी तारों और खंबों को तब्दील करने का कह दिया। लोधरा में हुकूमत बच्चों से मुशक्कत के कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। गरीब वालिदैन दो वक्त की रोटी के लिए बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाने लगे।
लोधरा में बच्चों से मुशक्कत ना कराने से मुतल्लिक कानून पर महकमा मेहनत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। शहर और गिरदोनवा में मामूली से मुआवजे के लिए बच्चों से मुशक्कत कराने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। होटल्स, दुकानों, वर्कशॉप, भट्टों और कारखानों में महकमा लेबर की मिली भगत से बच्चों की इस्तेदाद से बढ़कर काम लिया जा रहा है। कई मालिकान मामूली गलती पर काम से निकाल देते हैं जबकि कोई मुआवजा भी नहीं देता। कई बच्चे मालिकान के तशद्दुद का निशाना भी बनते हैं लेकिन इनकी गुर्बत और मालिकान के बाअसर होने के बायस कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर के समाजी और सियासी हलकों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेबर अफसर दिन भर दफ्तर में बैठकर कागजी कार्रवाई करते रहते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता, जिसका आला हुकाम को नोटिस लेना चाहिए। भावलपुर में दरिंदा सिफ्त इंसान ने 4 साल बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची को तश्वीशनाक हालत में भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भावलपुर थाना बगदादुल जदीद के इलाका मूसा कॉलोनी के रिहायशी गरीब मेहनतकश की 4 साल बेटी इलाके की दुकान पर टॉफियां खरीदने गई, जहां पर दुकानदार ने बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची की चीखों पुकार पर अहले खाना मौके पर पहुंच गए। दुकानदार कामरान के साथियों ने बच्ची के अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से बच्ची का एक चचा शदीद जख्मी हो गया। तहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को तश्वीशनाक हालत में भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिहाड़ी में कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में रिक्शा इत्तेहाद यूनियन ने भी रैली निकाली और भारत के खिलाफ नारे लगाए। कश्मीरियों से इजारे यकजहती का सबूत देते ये हैं इत्तेहाद रक्षा यूनियन के कारकुन और अहदेदार। भारतीय फौज के जुल्म और सितम का निशाना बनने वाले कश्मीरी भाइयों के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारतीय फौजियों के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में तहरीरें दर्ज थी। मोदी सरकार को पावर करवाना चाहता हूं कि ये उसकी गलत फहमी है कि वो कश्मीर पर इतने मजालम जो उसने कर लिए आज के बाद इंशाल्लाह वो ये मजालम नहीं कर सकेगा। भारत को बता देना चाहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं कश्मीरियों पे जुल्म, इसको बंद करें और इसको बंद करें, एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे आप। रैली में सैकड़ों मोटरसाइकिल, रक्षों, गाड़ियों और पैदल अफराद ने शिरकत की। रैली वी चौक से शुरू हुई और मुख्तलिफ रास्तों कलमा चौक, क्लब रोड, रेल बाजार, गोल चौक और जना रोड से होती हुई विहाड़ी प्रेस क्लब पहुंचकर खत्म पजीर हुई। रैली के शुरका ने कश्मीरियों के हक में और भारत के खिलाफ नाराबाजी भी की। प्रेस क्लब के सामने शुरका ने एहतजाजी मुजाहरा किया और अक़वामे आलम से मुतालबा किया कि कश्मीर के मसला का हल अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कराकर कश्मीर को आज़ाद किया जाए। तहजील नूरपुर थल में डेंगू से मुतालिक आगाही मुहिम के सिलसिले में महकमा तालीम के जरिए तमाम रैलियां निकाली गईं। रैली नूरपुर थल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ईदगाह से शुरू हुई और कश्मीर चौक से होती हुई प्राइमरी स्कूल नंबर 3 पर पहुंचकर अहतमाम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर डेंगू से मुतालिक आगाही कलमा दर्ज थे। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर शेख अमजद एजाज और मलिक मोहम्मद खालिद राहदारी ने डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात पर रोशनी डाली। दूसरी बड़ी रैली रेंगपुर भगपुर में गवर्नमेंट स्कूल जफराबाद से रैली निकाली गई, जिसकी कयादत असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ने की। आगाही रैलियों में असातिज़ा समेत दीगर लोगों ने भी शिरकत की। साहिवाल में मिस्टर हैंडसम के रंगारंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। दीगर अजला से मेल मॉडल्स ने भरपूर शिरकत की। नौजवान गुलकारों ने समापन दिया। साहिवाल की तहसील चीचावती में सजा रंगारंग मिस्टर हैंडसम का मुकाबला, जिसमें लाहौर, ओकाड़ा और बहावल नगर से भी नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। फैशन शो को नौजवान गुलकारों की परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगा दिए। हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। फैशन शो में मॉडल्स और हाजरीन में गिफ्ट हैम्पर्स भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम में समाजी शख्सियात और ताजिर हजरात समेत अवाम की बहुत बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने प्रोग्राम को खूब सराहा। उनका कहना था कि ऐसे तफरीही प्रोग्राम के इनेकाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। शामिल करेंगे सिंध भर से खबरें। मीरपुर मैथलों में देसी मुर्गी में बीमारी फैलने से नस्ल खत्म होने लगी। कारोबार से वाबस्ता हजारों अफराद बेरोजगार होने लगे।
मीरपुर माथेलो और नवाही देहात में गुजर बसर के लिए देसी मुर्गियां पालने का रुझान खत्म होने लगा। लोगों ने कम कीमत के बायस फार्मी मुर्गियों को खुराक बना लिया, जिससे देसी मुर्गियों की अफजाइश में भी कमी होने लगी है, जबकि मुर्गियों में बीमारी फैलने से उसकी नस्ल को भी खतरा पैदा हो गया है। मुर्गी पालने वालों का ये कहना था कि सस्ती होने के बायस लोग अब फार्मी मुर्गी को तरजीह दे रहे हैं। हमारे पास पहले देसी मुर्गियाँ काफी ज्यादा होती थी और अब फार्मी मुर्गियों की वजह से इनकी नस्ल में काफ़ी नुकसान आया है। हमें इसकी अंडे भी कोई लेना नहीं चाहता और ना ही इसकी पैदावार है। यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी आ चुकी है जिस वजह से ये इनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। मीरपुर माथेलू और ढरकी में हर घर में दर्जनों मुर्गियाँ पाली जाती थी और यहाँ से देसी मुर्गी के कई ट्रक रोजाना दीगर शहरों को सप्लाई भी किए जाते थे। ताहम अब लोग कम कीमत के बायस फार्मी मुर्गी को तरजीह दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि दरियाए सिंध में गुड्डू बेराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। घूर की फेडर कनाल के दो गेट खराब होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। पंजाब में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गुड्डू बेराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। जराए के मुताबिक गुड्डू बेराज से चार बड़े केनाल निकलते हैं, चारों केनाल के छह छह गेट हैं। गोड की फेडर केनाल के दो गेट खराब हो गए हैं। गेट खराब होने से केनाल में शिगाफ पड़ गया है और इंतजामिया ताखाल गायब है। अहले इलाका ने आला हुकाम से जल्द हिफाजती इकदाम करने का मुतालबा किया है। सकर में म्यूनिसिपल एंटी इंक्रूटमेंट टीम की जानिब से तजावुजात के खिलाफ की गई कार्रवाइयां भी कारामद ना हो सकी। चंद रोज बाद ही तजावुजात दोबारा कायम कर दिए गए, जिसके बायस ट्रैफिक जाम मामूल का बन गई। न्यू क्लॉथ मार्केट, स्टेशन रोड और लतीफाबाद में तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके चंद रोज बाद इन इलाकों में दोबारा तजावुजात भी कायम हो गई और पार्किंग स्टैंड्स भी चले गए, जिसके बायस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड इंक्रूटमेंट टीम की कार्रवाइयां भी रंग न ला सकी, जिस पर ट्रैफिक जैम हो गई और ये रोज का मामूल बनता जा रहा है। तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग दोबारा कायम होने पर ताजरों में भी तशवीश पाई जाती है और उनका कहना था कि तजावुजात का मुस्तकिल बुनियादों पर तजावुजात का खात्मा किया जाए। उनका कहना था कि सड़कों पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग माफिया शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार कर दिया है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। हंगू के इलाके औरगजी एजेंसी में तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में तीन अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हंगू के इलाके औरगजी एजेंसी में कार गहरी खाई में गिरने पर तीन अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और लाशों को मकामी अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तबाहशुदा कार को खाई से निकालने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी पर काबू न रख सका। पुलिस हुकाम का कहना है कि लाशों की शनाख्त का अमल जारी है, ताहम अभी तक लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। एबटाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से मलबे तले दबकर दो बच्चे जहां वाहक हो गए। एबटाबाद के इलाके में पुलिस लाइन के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से दो बच्चे मलबे तले दबकर हादसे के बाद इमदादी टीमें भी पहुंच गई और मकामी अफराद की मदद से बच्चों को मलबे से निकाल लिया गया। दोनों बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ दोनों बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शदीद बारिश के बायस इलाके में लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया। पिशावर में मूसलाधार बारिश तब्दीली को भी बहा ले गई। बारिश के बाद जीटी रोड, अय्याकातूत समेत अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे, जबकि खैबर एजेंसी भी सैलाबी रेले से पांच दुकानें बह गई हैं। पिशावर में मूसलाधार बारिश ने तब्दीली का नामो निशान मिटा दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से जीटी रोड, यकातूत और अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाके जिले इंतजामिया की नाअहली का सबूत पेश करने लगे। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने की वजह से अहले इलाका घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के बायस शहर की कई अहम सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में सीवरेज का पानी भी घरों में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से पानी के निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। उधर खैबर एजेंसी समेत कबायली इलाकों में भी बारिश ने तबाही मचा दी और सैलाबी रेले से पांच दुकानें बह गई।
सवात और मालाकंड डिवीजन में कस्टम एक्ट के खिलाफ मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। हड़ताल के दौरान 15 लाख से ज्यादा दुकानें और तजारती मराकज को बंद कर दिया गया। हड़ताल की कॉल ट्रेडर्स यूनियन की जानिब से दी गई थी। सवात और मालाकंड डिवीजन में कस्टम एक्ट नाफिज करने के खिलाफ ताजरों की जानिब से हड़ताल का फैसला किया था। कस्टम एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सवात, मालाकंड, बुनेर, दीर, चित्राल, शांगला में भी हड़ताल की गई। इन इलाकों में हड़ताल के बाईस 15 लाख से ज्यादा दुकानें और कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। मेंगोरा समेत सवात डिवीजन के तमाम अजला के मरकजी शहरों में कस्टम एक्ट के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन का मुतालबा था कि कस्टम एक्ट को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मुजाहरीन का कहना था कि कस्टम एक्ट के खिलाफ खात्मा अगर ना किया गया तो ये तहरीक जारी रहेगी और मुतालबात के मंजूर ना होने पर इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। कहीं बारिश और कहीं लोड शेडिंग। मुर्दान में बिजली की लोड शेडिंग के सताए ताजरों का सबर जवाब दे गया। एहतजाज के दौरान टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी गई जिससे गाड़ियों की कतारें लग गईं। मर्दान के इलाका प्लाजा रोड के ताजर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और मुजाहरा भी किया। मुश्तिल मुजाहरी ने रुकावटें खड़ी करके सड़क भी ब्लॉक कर दी जिससे गाड़ियों की कतारें लग गई। ताजरों ने इस हवाले से सख्त गम गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि लोड शेडिंग जहां घरेलू सार्फीन को मुतासर कर रही है वहीं कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की बंदिश के दौरानिए में फौरी तौर पर कमी की जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए। शामिल करेंगे बलूचिस्तान से खबरें। डेरा मुराद जमाली में जरई पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। काश्तकार इस पर सरापा एहतजाज बन गए। डेरा मुराद जमाली और गिरदनवा में जरई पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया जिससे तेल के काश्तकार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिसके खिलाफ वो सड़कों पर आ गए। काश्तकारों ने कौमी शाहराह पर रुकावटें खड़ी करके सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया जिससे सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं और शदीद गर्मी में मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहरीन का कहना था कि महकमा इरीगेशन तेल के इलाकों को पानी फराहम करने में संजीदा ही नहीं है जिसके बाइस लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सूबाई रहनुमा ने डेरा अलायाह में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और जेरे तामीर और मुकम्मल होने वाली सड़कों का इफ्तिताह भी किया। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सूबाई रहनुमा मीर असवंद यार फालिक जमाली ने जाफराबाद के हेडक्वार्टर शहर डेरा अलायाह में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने PCC रूटों का इफ्तिताह भी किया। मीर असवंद यार फाइक जमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि MPA की तरक्याती फंड से शहर में PCC रोड्स तामीर किए जा रहे हैं जिससे शहर की सफाई और खूबसूरती में इजाफा होगा। उनका कहना था कि उन्हें अवाम ने चुना है और वह अवाम की फलाह और बहबूद के लिए कोस रहे हैं। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने जाना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब से कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए वक्त न्यूज़।